लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। यूपी जीएमएस के बैनर तले उद्योगपतियों ने दिया 3,19,000 रुपए का सहयोग। जी हाँ, कोविड केयर फंड में जमा कराने को नगर मजिस्ट्रेट को दिए 11,000 रुपए के चेक और नगर विधायक मनीष असीजा भी रहे उपस्थित। बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवाहन पर उप सरकार द्वारा कोविड केयर फंड की स्थापना हुई है। उसमें फिरोजाबाद शहर के उद्योगपतियों ने भी यूपी जीएमएस के बैनर तले अपना अहम योगदान दिया और शहर के ओम ग्लास में नगर मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज को यह सहयोग राशि चेक के माध्यम से कोविड केयर फंड में जमा कराने को प्रदान की गई। इस दौरान नगर विधायक मनीष असीजा भी मौजूद रहे और समाज से दी गई सहयोग राशि में सीताराम ग्लास वर्क्स, मित्तल सेरेमिक, गीता ग्लास वर्क्स, मातेश्वरी ग्लास वर्क्स, रचना ग्लास इंडस्ट्रीज, जेबी ग्लास इंडस्ट्रीज, जगदम्बा ग्लास इंडस्ट्रीज, एस गोपाल इंडस्ट्रीज, क्राउन ग्लास इंडस्ट्रीज, उमा ग्लास वर्क्स, हरिओम ग्लास वर्क्स, आदर्श कांच उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, मार्डन ग्लास इंडस्ट्रीज, जनरल इंडस्ट्रीज और एडवांस लैंप कंपोनेंट एंड टेबल वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड, पंकज ग्लास वर्क्स, मीरा ग्लास इंडस्ट्रीज, सी ए ग्लास वर्क्स, पीताम्बर ग्लास वर्क्स, दुर्गेश ब्लॉक एंड चाइना ग्लास लिमिटेड, पूजा ग्लास वर्क्स लिमिटेड, हिंद ग्लास वर्क्स लिमिटेड, एस आर ग्लास इंडस्ट्रीज, पारस ग्लास वर्क्स, हाईलाइट ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, जी एम ग्लास वर्क्स, उक्त सभी के द्वारा 11,000 की धनराशि कोविड केयर फंड के नाम दी गई। कुल जमा धनराशि 3,19,000 रुपए। इस तरह से सहायता प्रदान की गई है आप लोगों के द्वारा। आज फिरोजाबाद जिले के लिए राइफल क्लब द्वारा राइफल क्लब को डोनेशन दिया गया है। पूरा जिले अधिकारी के जो अंडर में है, जो गरीब लोगों की सहायता के लिए सामान खरीदा जा रहा है, उसके लिए सहायता राशि दी गई है। उत्तर प्रदेश ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग सिंडिकेट के सभी सदस्यों ने मिलकर एक चेक काटा है, करीब 29 चेक कटे हैं। बाकी जो रह गए कुछ लोग भाग थे, वो दो चार दिन में आ जाएंगे। हमारा तो एक ही देह है, फिरोजाबाद में इस महामारी में जो भी सहयोग कर सकते हैं, अब इंडस्ट्रीज है वो करने को तैयार है।